वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। मोहतरम सामईन, प्यारे असातिज़े इकराम, अजीज साथियों, बुजुर्ग और दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर टकल कोटे में जजील अकेडमी के नाम से मदरसा चल रहा है, यहाँ पे मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। मोहतरम सामईन, मेरा आज का उनवान है ज़ाते मुस्तफ़ा, एक बड़ी नेमत है, उसके हवाले से चंद बातें आपके गोसो गुजार करूंगा, तो गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर के उन्हें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मोहतरम हजरत, अल्लाह तआला ने हम पर बेशुमार इनाम और कलाम अता फरमाए हैं, बेशुमार नेमत और दौलत से नवाजा, जमीन को हमारे लिए बिछोना, आसमान को छत बनाया, बारिश को नाजिल फरमा करके जमीन में तरह तरह के मेवे उगाया, चांद सूरज सारे जमदात नबातात और हैवानात को हमारे लिए पैदा फरमाया। मोहतरम सामईन, हम अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार नेमतें अता फरमाए हैं, उनका हम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर अल्लाह की नेमतों को गिनो तो शुमार ना कर सकोगे, गिन ना सकोगे। ये अल्लाह का खास करम है कि हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि अपने महबूब नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और गुलाम बना। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार नेमतों से अता फरमाए हैं, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। अल्लाह तबारक व तआला ने देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जबान, पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सोचने के लिए दिमाग और अकल अता फरमाया, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। मगर जब अपने महबूब नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मौज किया तो इरशाद फरमाता है, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बअथ फीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर के उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। ऐ ईमान वालों, हमारे आका का इस कायनात में जलवाए घर होना हम पर बड़ा करम है, बड़ा इनाम है, बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने हम पर कैसा अजीम एहसान किया, कैसा अजीम रसूल भेजा के अपने विलादत मुबारक से लेकर विसाल मुबारक तक और उसके बाद तमाम जमाने में हम उम्मतिया पर मुसलसल रहमत की दरिया बहा रहे हैं, बल्कि हमारा तो हुजूर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके से है। अगर आप ना होते तो इस कायनात में रहने वाले भी वजूद में ना आते, पैदाइश के वक्त ही आपने हम उम्मतियों को याद फरमाया, शबे मेराज में अल्लाह के दार नाम है भी याद फरमाया, नींद को छोड़ करके रात भर हम उम्मतियों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह के बारगाह में रो रो करके दुआ करते थे, विशाल शरीफ के वक्त भी उम्मती उम्मती कहते हुए भी याद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में सजदे में दुआ करेंगे, जब उम्मती पुल सिरात पर गुजरेगी तो रब्बे सलीम की दुआ करेंगे। वो कैसे नबी है जो खुद रोएंगे मगर हमें हंसाएंगे, जो खुद गमगीन होंगे मगर हमें खुश अता फरमाएंगे। दुनिया में हमें कुरान दिया, ईमान दिया, खुदा का इरफान दिया, बल्कि वो हजारों चीजें जिनके हम काबिल भी ना थे वो सब कुछ अपने साये में हमें अता फरमाया। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब कहा, ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, और साथ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सराफा कोई नहीं, आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। ये साफ हमारी है आका, तुम अर्ज बरी पर पहुंचे हो, ये साफ हमारी है आका, तुम अर्ज बरी पर पहुंचे हो, जिसान नबी है बैठ लेकिन मैं आवाज का दूला कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर अल्लाह से दुआ है कि कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।